जो जीतेगा कि हारेगा? नहीं, तीन बार टॉस करेंगे। हाँ, जो ज्यादा जीत गया हाँ वो जीत गया, जो हारेगा उसका कार्ड यूज होगा, शॉपिंग करो जितनी चाहिए। हाँ दोस्तों, 2023 सपना की जीवन का काल बन गया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 2021 भी सपना के लिए बहुत बुरा था, जब सपना बहुत खुश थी अपने पति के साथ, पर अचानक ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया कि सपना का सब कुछ उजर गया। उसके बाद 2023 सपना और राजवीर बहुत खुश थे, बहुत अच्छा कपल था, पर अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया। राजवीर का एक सड़क हादसे में राजवीर की मौत हो गई और सपना का मानो दुनिया ही पता चल गया आपको। चलो 10 मिनट, ठीक है? ठीक है। राजवीर चौधरी ने पूरी कोशिश करी थी सपना को हर खुशियां देने की, सपना के बच्चों को हर खुशियां देने की, पर मम्मी आपको कैसा लग रहा है पहली बार में जी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ये अब मजा आएगा। सब कुछ सही चल रहा था इन दोनों लोगों की ज़िंदगी में, पर अचानक एक रात आंधी तूफान आई। राजवीर चौधरी अपने दोस्त की शादी में गए थे और सड़क हादसे में उनकी डेथ हो गई। ये बात किसी को भी सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं हुआ, खासकर सपना के चाहने वालों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये लगा कि कोई मजाक कर रहा है, कुछ लोगों को ये लगा कि शायद कुछ कुंडली दोष के कारण ये सब छुपाया जा रहा है, पर ये सच था। सपना का वीडियो आते से ही मानो सोशल मीडिया में हलचल मच गया कि अचानक ये कैसे हो गया। कल तक जो एक इंसान बहुत अच्छा खासा था, आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, किसी को विश्वास नहीं हुआ। पर हम दुआ करते हैं कि जो ये 2024 आया है सपना के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, सपना के बच्चों को बहुत से ब्लेसिंग्स मिले, ये दोनों बच्चियां बहुत लाइफ में आगे बढ़े और राजवीर का हर सपना, सपना का हर सपना पूरा करें। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी सपना के साथ हुआ, अब सपना को सिर्फ अच्छे दिन ही देखने को मिले, सपना को सिर्फ खुशियाँ मिले। बेबी को भी कि फ्रेंड्स, सपना को इतनी सी कम उम्र में जो कुछ सहन करने को मिला है, शायद ही कोई इंसान सहन कर सके, क्योंकि सपना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली है और बहुत ही ज़्यादा